नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार, हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कपूर के कुछ उपायों के बारे में, जिनको उपयोग करके आप भी अपना सोया हुआ भाग जगा सकते हैं। दोस्तों, कपूर मोम की तरह एक सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है। यह अत्यंत ज्वलनशील और उड़नशील तैलीय पदार्थ होता है। इसको जलाने से आग तेज होती है और इसमें से तेज गंध निकलती है। हिंदू धर्म की पूजा पद्धति में दोस्तों कपूर का विशेष स्थान है, क्योंकि कपूर को भगवान की आराधना के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। इसलिए इसे अक्सर पूजा पाठ, हवन, धार्मिक कामों और भगवान की आरती के दौरान एक विधान के रूप में जलाया जाता है। इसके इस्तेमाल के बिना कोई भी धार्मिक कार्य अधूरा ही माना जाता है। इसलिए दोस्तों, हिंदू धर्म में कपूर का बहुत महत्व है। धर्म के अलावा दोस्तों कपूर विज्ञान की दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद होता है। विज्ञान के अनुसार यह घर की वायु को शुद्ध करता है। यह हानिकारक प्रभावों से मुक्त होता है, क्योंकि जब इसे जलाया जाता है तो यह बिना अपना अंश छोड़े पूरी तरह जल जाता है, और इससे निकलने वाला धुआं और महक हवा में मौजूद सभी सूक्ष्म जीवाणुओं और विषाणुओं के दूषित कणों को भी समाप्त कर देता है, जिससे घर में बीमारी होने का भय नहीं रहता। इसके अलावा दोस्तों कपूर को घर में जलाने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है, और इससे घर का वातावरण भी सुगंधित और शुद्ध हो जाता है, जिससे घर के लोगों के मन मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। इस तरह दोस्तों कपूर हमारे जीवन में कई तरह से लाभ पहुंचाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज हम आपको कपूर के कुछ चमत्कारी और कारगर उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें करके आप भी अपने जीवन में सफलता और समृद्धि पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों आइए जानते हैं कपूर के कुछ महत्वपूर्ण और चमत्कारी उपायों के बारे में। ज्योतिष और वास्तु के मुताबिक दोस्तों कपूर को पूजा या आरती के समय घर में जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसके संबंध में ऐसा माना जाता है कि कपूर को देवी देवताओं के समक्ष जलाने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इससे निकलने वाले धुएं से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है, और यह घर के वास्तु दोषों के संतुलन के लिए भी बेहद शुभ होता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप अपने घर में सुबह या शाम भगवान की पूजा या आरती करें, तो आप इसमें कपूर का इस्तेमाल जरूर करें। ज्योतिष के अनुसार दोस्तों कपूर के उपाय जीवन में आने वाली बाधाओं का निवारण भी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र या काली नज़र का दोष है, जहाँ आपके काम हजार कोशों के बाद भी नहीं बनते, जहाँ आप अपना भाग्य चमकाना चाहते हैं, तो आप कुछ दिन सुबह नहाते समय नहाने के पानी में कपूर के तेल की दो बूंदें डालकर नहाएं। दोस्तों, ऐसा करने से एक तो आपके शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आप पूरा दिन अपने आप को तरोताजा महसूस करोगे। दूसरा, इससे आपका भाग्य उदय भी होगा, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, और इससे आपके काम में आ रही सभी रुकावटें भी अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके घर में कोई भी सदस्य लगातार बीमार रहता है, तो भी आप शनिवार के दिन कपूर के तेल की कुछ बूंदें नहाने वाले पानी में डालकर बीमार रहने वाले व्यक्ति को नहलाएं। दोस्तों, ऐसा करने से रोगी व्यक्ति की हालत में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा और वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कई बार हमारे अंदर तनाव, चिंता और नकारात्मकता की भावना होती है। यह नकारात्मकता की भावना हमारे पूरे शरीर और आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है, जिसके कारण कई बार हमें बेचैनी के कारण नींद नहीं आती। ऐसे में दोस्तों, अगर देसी कपूर को शुद्ध घी में मिलाकर उसका दिया सोने वाले कमरे में जलाया जाए, तो इससे व्यक्ति की बेचैनी कम होकर उसे गहरी नींद आती है और उसको मानसिक शांति भी मिलती है। ज्योतिष के अनुसार दोस्तों कपूर को घर में जलाने से राहु ग्रह से संबंधित काल सर्प दोष और पुत्र दोष का दुष्प्रभाव भी समाप्त होता है। दोस्तों, कई लोगों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष या पितर दोष होते हैं। इनके चलते उनके घर में तरक्की नहीं हो पाती और उनके हर कार्य में बाधा भी आती है। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में भी काल सर्प दोष या पितर दोष है, तो ऐसे में आपको अपने घर के मंदिर में हर रोज सुबह शाम शुद्ध घी में भिगोया हुआ कपूर जलाना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको काल सर्प दोष और पुत्र दोष के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी और आपके काम में आने वाली सभी बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, घर के जिस कमरे में शुद्ध वायु आने जाने के लिए
खिड़की या रोशनदान आदि ना हो वहाँ कांच के बर्तन में थोड़ा कपूर जरूर रखना चाहिए। दोस्तों इसका कारण यह है कि इससे वहाँ शुद्ध वायु का संचार होता है और यह कपूर नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करके घर के वातावरण को शुद्ध करता है। इसलिए दोस्तों यदि आपके घर के किसी कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान आदि ना हो तो आप उस कमरे में कांच के बर्तन में थोड़ा कपूर जरूर रखें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर को किसी की बुरी नज़र ना लगे और आपके घर में कोई भी बुरी ऊर्जा तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके तो इसके लिए आप गंगा जल में थोड़ा सा पिसा हुआ कपूर मिलाकर उसे घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में कोई भी बुरी ऊर्जा तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकेगी बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा सुख समृद्धि शांति और धन की बरकत हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों अगर आप धन की कमी से गुजर रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कभी कमी ना हो या आपका भाग्य साथ ना दे रहा हो तो आप कुछ दिनों तक रात के समय रसोईघर का काम खत्म करने के बाद रसोईघर में चांदी की कटोरी में एक लौंग और कपूर की टिकिया जला दिया करें। दोस्तों इस उपाय को करने से आपको कुछ ही दिनों में धन लाभ होने लगेगा, आपके आमदन के साधनों में वृद्धि होगी और आपके घर में धन की कभी कमी ना होगी। आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। दोस्तों अगर आप कपूर और लौंग को चांदी की कटोरी में नहीं जला सकते तो आप इसको पीतल या स्टील के बर्तन में भी जला सकते हैं। इससे भी दोस्तों आपको धन लाभ होगा और आपके घर में धन की बरकत हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों अगर आपके घर के किसी सदस्य को नज़र लग गई हो तो भी आप कपूर का उपाय करके उसकी नज़र को उतार सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप नज़र लगे व्यक्ति के सिर से लेकर पांव तक कपूर को घड़ी की दिशा में घुमाते हुए 3 बार उतारें और फिर उस कपूर को तुरंत ही जला दें। दोस्तों इस उपाय को करने से नज़र लगे व्यक्ति की नज़र जल्द ही उतर जाएगी और उसको मानसिक शांति मिलेगी। दोस्तों कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।